अब वो मोमेंट आ चुका है जब हम केक कटिंग करेंगे मामू के केक की। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज हम बहुत जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि आज हमने जाना है टेस्ट करवाने। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम यहाँ से टाइम से निकल जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे। और आज वैसे क्लिनिक भी जाना है शैलजा दीदी के, पर हमारी अपॉइंटमेंट है शाम की। तो आइडिया ये है कि आज अभी टेस्ट करा लेंगे, फिर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी शाम तक। और शैलजा दीदी के क्लिनिक तो जाने ही, तो वहां से रिपोर्ट भी उठा देंगे, फिर देखेंगे क्या है कैसा है। तो हम तीनों ही जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि तीनों ही टेस्ट करवा लेते हैं। सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। गुड मॉर्निंग गैंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है कि आज सुबह उठ के योगा एक्सरसाइज ना करके सीधा ही कहीं जाना है? अच्छा लग रहा है, ये भी हमारी एक वॉक हो जाएगी ऊपर तक गाड़ी तक। सही बात है, तो ये भी जरूरी था करवाना। तो याद है एक बार यहाँ पर मैं गए थे, पर इससे जल्दी गए थे। चलो यार, हम ना लेट है ना, अब वापसी आते हुए संजौली बंद हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इतने जल्दी सुबह क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ संजौली में लाल पथ लैब है वो सुबह 6 बजे खुल जाती है। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी अपना काम करवा के वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी देखो ट्रैफिक भी नहीं है, धीरे धीरे ट्रैफिक भी शुरू हो जाएगा और फिर टाइम बढ़ता जाता है। तो हमने सोचा कि सुबह सुबह ही जाके काम निपटा देते हैं, क्योंकि वैसे भी खाली पेट ये टेस्ट होते हैं और इसके बाद हम खा भी सकते हैं घर जाके। तो हम लोग संजौली पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही ना संजौली में चहल पहल शुरू हो जाती है। अभी स्कूल जाने वाले बच्चे जो वो आते हैं। दुकानों की बात करूं तो एक आध दुकान ही खुली है, बाकी अभी नहीं खुली, अभी समय है। तो हम लोग तब तक काम करवा देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यही गाड़ी लगाऊं, तब तक हमारा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस वालों का फोन आ जाएगा। ऑलरेडी ये गाड़ी लगी है यहाँ पे, तो ये गाड़ी यहाँ लगी है, मैंने सोचा यही लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो डॉक्टर लालपथ लैब है, यहाँ से एंट्री है। मैंने अभी गाड़ी फिलहाल यहाँ लगा दी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं ही करवा देता हूँ, जल्दी बाहर आ जाऊँगा। अगर बाई चांस कहीं चलान हो रहा हो तो उससे पहले ही मैं पहुँच जाऊँ। हम अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पर अभी कुछ ही लोग हैं, तो अपनी बारी जल्दी आ जाएगी। तो अभी इधर वेटिंग में कोई नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर जो है हमारा ही होगा ना, तो जल्दी फ्री हो सकते हैं। हो गया आपका? हाँ जी, अपना हो गया, अभी मम्मी गए। मुझे ट्रिक कहते हैं, मैं जाऊंगी पहले, तुम्हें डर लग रहा होगा। हाँ, इसीलिए मम्मी बोलते क्या होगा तुम बच्चों का। मैंने इसलिए पहले करवाया कि मैं नीचे जाके देख लूंगा ना। हाँ, थोड़ी देर बैठ जाओ फिर चल जाओ। देखो जैसे टाइम होता रहेगा ना, बढ़ती रहेगी। यस, अच्छी टाइम। मम्मी डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं भैया, काफी अच्छे से कर रहे, पता भी नहीं चल रहा कि ब्लड निकल भी गया जल्दी जल्दी। तुम्हें डर लगता है? तुम्हें इंजेक्शन देख के ही डर लग रहा है ऐसा? अरे कोई नहीं, पता भी नहीं चलेगा। पहले ही तुम मुट्ठी बंद कर दो, अपना वो नसे दिखाओ अपनी बढ़िया। हाँ इतनी तो दर्द ही नहीं होती यहाँ। तो जब तक पूरा नहीं निकलेगा तुम उधर को नहीं देखोगे? मेरे को नहीं पता था तुम्हें इतना डर लगता है इससे। संजौली में बदलाव देखो, अभी हम बाहर से अंदर गए, कोई ट्रैफिक नहीं था, हमें 5-10 मिनट क्या हुआ, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया। और चले, तो हमें एक और काम है जिसके लिए हम पिछले कल भी आए थे। नेहा ने अपना सूट देना है सिलने को अपनी टेलर के पास, तो वो कल थे नहीं, तो हमने उनसे कल बात की थी, उन्होंने कहा था कि सुबह आ जाना और उसके बाद फिर वो कहीं जाने वाले, तो मैं और मम्मी वेट करेंगे गाड़ी में। तो जल्दी आना आप, और फिर बंद हो जाएगा ना संजौली शायद तब तक। नहीं अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, 8:30 होता है तो। और 8:30 क्या, 8 बजे इतना ट्रैफिक हो चुका है। और बहुत बढ़िया टाइमिंग थी, हम गए कम रश था, हमने फटाफट करा दिया, पर अब रश बढ़ जाएगा, अब बहुत लोग आ गए। रिपोर्ट आएगी 4 बजे तक, तो हम लोगों ने कम्प्लीट टेस्ट कराया ताकि पता रहता है ना यार कि कोई अगर दिक्कत है तो उस पे काम किया जाए। हम लोग इंदर नगर पहुंच चुके हैं, तो नेहा गई अभी अपने टेलर के पास और मैं और मम्मी अभी वेट करेंगे गाड़ी में। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको टेस्ट करवा के? कुछ मेरे को तो नहीं लगा, बिल्कुल। तो मम्मी नेहा को बोल रही है तू डरती है, मैं कराऊंगी पहले फिर तू करा लियो, कोई बात नहीं। थोड़ा ऐसे लगता है, थोड़ा सा पिन जैसा, पिन जैसा, बाकी नहीं लगता, पता ही नहीं बाकी नहीं लगता, पर ठीक है, हो गया एटलीस्ट। तो अब हम यहाँ से घर जाएंगे क्योंकि दादी की सिस्टर भी आए हुए हैं, जो मैंने पहले भी मिलाया आपको ब्लॉग में, तो अभी वो लोग भी उठने वाले होंगे, तो ब्रेकफास्ट की तैयारी भी करनी पड़ेगी अपने को। हो गया आपका काम? मेरा थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें लगे थे, मैंने कहा पहले मेरा कर लो क्योंकि नीचे वेट कर रहे हैं,
तो बस हो गया है, काम फ्री है ना। हाँ, मुझे लगा कि मैं हल्की सी मोटी हो गई हूँ, हाँ। तो शायद थोड़ा वो सेम ही है जो पहले था वैसा ही ऐसा कुछ भी तो नहीं। वो हमें लगता है वैसे होता नहीं है, और अच्छा है कि तुमने शायद अब तुम वर्कआउट भी कर रहे हो ना, जो थोड़ा बहुत गेन किया होगा तो वो वापस वहीं पे आ रहा होगा। भूखा नहीं होता है, ऐसा ही हुआ। चलो अब यार संजौली बंद हो जाएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं घर। सो जब हम सुबह सुबह गए थे तो हमने पानी तक नहीं पिया था, तो वहां जाके अक्षय का जब उन्होंने पेमेंट करी तो कुछ नहीं पूछा। जैसी मेरी पेमेंट की बारी आई कहते मैम आप चाय पी के तो नहीं आए। मैंने कहा ये क्वेश्चन तो मम्मी से पूछना चाहिए क्योंकि वो सुबह सुबह चाय पीते हैं। आपकी शक्ल देख के समझ गया मैं चाय पी के। नहीं नहीं चाय पी के कौन आएगा, जब टेस्ट करवाना है तब तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा होता है हाँ, मतलब टेस्ट अच्छे आ जाते। अच्छा आपने भी तब तो आपसे पूछना चाहिए था उसको। नहीं पानी का क्या है, पानी ने जो पीना अंदर ही जाना है पर क्या। हाँ तो है पर नहीं, और ऐसा होता है ना, ये तो पता नहीं कि आपने कहाँ से सुना पानी पी, मम्मी बोल रहे थे पता नहीं। वैसे एक बात सुनो ना, 24 घंटे के अंदर जो सिस्टम में है वो तो आएगा ही। वो तो खैर आपने रात को खाना भी खाया है, सब कुछ किया है, सुबह भले ही कुछ नहीं किया हो तो आई डोंट थिंक सो के। चलो पानी पियो आप। तो हम लोग भी पानी पीते हैं, उसके बाद करते हैं सफाई क्योंकि हम जब सुबह गए थे हमने कुछ नहीं किया था। मुझे आ रही है नींद, ऐसा लग रहा है कि अब फिर से सोना था। नहीं नहीं और मैं सोऊंगा नहीं, फिर अब सो के क्या फायदा जब उठ गए हम लोग। सफाई करने के बाद फिर शाम के टाइम 3-4 बजे हमें फिर से जाना है क्योंकि रिपोर्ट्स भी आएगी। मम्मी को शालजा दी के क्लिनिक भी जाना है, उनका थोड़ा सा काम रह गया 1.5 घंटे का, तो वो भी निपटा देते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी है, जब से हम गांव से आए हम क्लिनिक ही चले हैं 12 दिन। और पापा का स्पेशल फोन था कि जल्दी से जल्दी फ्री करो और सीधा गांव आओ क्योंकि गांव में भी कभी स्प्रेज है, काफी सारी चीजें। मैंने कहा ठीक है कोशिश यही करेंगे जितना जल्दी हो सके वापसी आ जाए। चलो ठीक है पानी पी लेते हैं क्योंकि मम्मी सफाई करने लग गया तो मैं भी हेल्प कर देती हूँ। तो सुबह सुबह धूप का आनंद लेने हम लोग आ चुके हैं बैक साइड गैलरी में। तो ये है दादी के छोटे सिस्टर, तो हमने पहले भी आपको मिलाया है। दादी कैसे आप? बढ़िया। कैसा रहा आपका सफर? बहुत बढ़िया। तो ये भी आए हैं जगराते के लिए, और दादी जो है ना भक्ति भाव में काफी लीन रहते हैं। और हाँ जी आपको कैसा लग रहा है छोटी बहन आ गई? खुश है दादी आज? इसीलिए वो खुश क्यों ना हो। हाँ तो क्यों होना पड़ेगा खुश तो। हाँ भाई बहन भाई है, हम मिलना जुलना। हाँ नहीं चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलने आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। और अभी जुड़नी सारा कुछ में लेना देना इनका सारा मेरी बहन को जो मैंने पहना भी है दादी वाली। ओ चलो अभी भगवान है तो भगवान सबका पर है, कोई नहीं अपना पर है, जो अपने रिश्ते है ये भी सबसे जरूरी है। बिल्कुल दुनियादारी है। बैठो आप धूप में, चाय पीनी? चाय बनाऊं के थोड़ी देर में पीनी? नहीं तो आप नहीं पियेंगे दादी? आप कम पीते चाय? अच्छा अच्छा। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद है अब टाइम लंच का, तो मैं अभी फ्रेश होकर आई हूँ। अक्षय नहा रहे हैं, मम्मी दादी और सुमी दादी के साथ बैठे हैं, तो लंच मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है, मतलब दाल। वैसे दाल बची हुई थी क्योंकि जो दादी की बहन है सुमी दादी वो लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं, वो तामसिक खाना खाते हैं, तो उनके लिए मैं दाल बना रही हूँ। उनके लिए क्या, सबके लिए बना रही हूँ। आज हम भी लहसुन और प्याज के बिना ही खाएंगे, वैसे टेस्टी होता है। मैं जब मंडे के फास्ट करती थी, मंडे के क्या कोई भी जब मैं फास्ट करती थी उस दिन मैं भी लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करती थी, ऐसे ही खाना खाती थी, टेस्टी होता है। बाकी बनाने पे बात होती है, तो जितनी देर मेरे पति देव नहा के आते हैं तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। हम लोग तैयार हो चुके हैं, बस अब जाना है क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट है, मतलब मम्मी की अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास। उससे पहले लक्ष्य का फोन आ गया, कुछ सामान लेके आया लक्ष्य, तो नीचे लेके आना है। शिवम उज्जवल मॉल रोड गए, दिव्यम भी कहीं ना कहीं गया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ही था। मैंने सोचा चलो मैं हेल्प कर लेता हूँ, तो देखते हैं क्या सामान लेके आया है। लक्ष्य भी आ चुका है, जिप्सी के साथ ही लगा रहा है ये भी। वाह, तो पहली बार थार और जिप्सी दोनों अपने साथ में। और हम लोग सोच भी रहे कि कहीं पे जाए ऑफ रोडिंग पे। ये क्या रख दिया है? ये भाई साहब आपका सामान है। मैं पता क्या सोचा मैंने कि ये अंगेठी कौन रख के चले गया। ठीक है शुक्र है मेरे को आज जिप्सी लेके नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो फिर गैप बिल्कुल नामात्र बराबर रह गए। तो ये कुछ सामान अभी नीचे छोड़ना है लक्ष्य के घर। हाँ बढ़िया, अंदर है काफ़ी।
मम्मी को तो हमने छोड़ दिया था, अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमें रिपोर्ट भी लेनी है। तो सोच रहे हैं कि पहले हम रिपोर्ट कलेक्ट कर देंगे, तो दिखा तो आज पाएंगे नहीं क्योंकि डॉक्टर तो अब मिलेंगे नहीं, तो देखते हैं कैसे बनता थोड़ा सा है। काम भी है, वो भी कर लेते हैं जब तक, क्योंकि मम्मी का 1.5 घंटा है, शायद जब भी बता रहे थे। फिर आज शाम को हमको पार्टी में भी जाना है, उसकी भी तैयारी करनी होगी अपने को। तो कुछ ज्यादा ही खुशी आज सब इकट्ठे होंगे ना, इस चीज की ज्यादा खुशी है। तो हम पहुंच तो गए पर अभी वेट कर रहे हैं हम रिपोर्ट्स का, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके बाद जाएंगे डायरेक्ट, देखते हैं मम्मी को कितना टाइम लगेगा। आई होप के हो जाना चाहिए टाइम से, ताकि हम यहाँ से वापसी भी चले जाएं। वो तो वहाँ जाके पता चलेगा, क्योंकि कई बार पेशेंट भी होते हैं ना, तो उसके लिए टाइम लग जाता है, पर अभी तो टाइम हमें ही लग रहा है रिपोर्ट्स के लिए। सही बात है। तो हमें रिपोर्ट्स मिल चुकी है, ये ऐसा है जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है ना, बचपन में रिपोर्ट कार्ड की टेंशन होती है, अब इन रिपोर्ट्स की टेंशन होती है क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा ही होगा, क्योंकि रिपोर्ट अच्छी आएगी। आई होप आज हमारा लास्ट डे है शायद क्लिनिक का, क्यों क्या बोलते हैं हम, आप जो करना था मम्मी का हो गया। हाँ, अब नाउ यू आर फ्री फ्रॉम माय साइड। क्या बात है, मम्मी अपनी स्माइल दे दो एक बारी। वाओ, थैंक्स टू शैलजा दीदी और डॉक्टर विनीत जी, जिन्होंने इतने कम समय तो नहीं बोल सकते पर समय तो बहुत लिया, पर अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल, और मम्मी के क्या हो गया था, गैप आ गया था नीचे वाले उस पर, और फिलिंग हुई है, तो फिलिंग से मम्मी स्माइल दिखाना, देखो बिल्कुल पता नहीं लगता। जो लोग डरते हैं ना कि फिलिंग कैसे करना, तो इट्स गुड, आप करवा सकते हो। एंड थैंक यू शैलजा जी। हाँ, तो अब हम फ्री है, तो अब हम घर निकलने की, आप भी तो आज इनवाइटेड हो। चलो ठीक है, तो हम लोग पार्किंग पहुंच चुके हैं। मम्मी कैसा लग रहा है, दिखाओ स्माइल लाइट में। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब लग रही है आपकी पूरी प्रॉपर स्माइल। तो हम नेक्स्ट क्या है, घर ही जाना होगा सीधा। 11 दिन की मेहनत है। और थैंक्स टू शिवा डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर शैलजा एंड डॉक्टर विनीत और उनका स्टाफ। तो अब देखो, ये है हमारी पूरी फैमिली के स्माइल का राज, क्योंकि हमारे पास घर में ही डेंटिस्ट है, तो कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। तो चले, आप चलते हैं। हाँ, ऐसा धर्म संकट आ चुका है, जहाँ मैं गाड़ी लगाता था वहाँ पे गाड़ी लग चुकी है, तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे गाड़ी लगा के जाऊँ, क्योंकि यहाँ लगाऊंगा तो नो पार्किंग भी लिखा है और टर्निंग पॉइंट भी है, यहाँ पे ज्यादा नुकसान हो सकता है, ज्यादा खतरा है यहाँ पे। अब समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्या लगता है, छोड़ दूं यहीं पे? हाँ, एक आध गाड़ी देखते हैं कैसे मुड़ रही है, चलो वेट करते हैं। आज ही टेस्ट हुए तो मम्मी ने वॉक शुरू कर दी, क्या बात है। तो अभी मैं आया था यहाँ से तकारी लेने, हम सोच रहे की बॉन फायर करेंगे ना, यहाँ नहीं नीचे लक्ष्य के घर में, तो फिर अभी फोन आया था लक्ष्य का, तो मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, मजा आएगा, यहाँ पे भी करते रहते हैं ना, नीचे भी करेंगे, कुछ यूनिक हो जाएगा। तो ये इतनी लकड़ियाँ हो जाएगी, बहुत है, थोड़ी बहुत होगी नीचे, है ना, तो ठीक है, अपना थोड़ा सा बैलेंस बन जाएगा। और ये वाला सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नीचे टाइल या फिर मार्बल जो भी हो गर्म हो जाता है, तो इसी पे ये रहेगा। ये फिलहाल की लकड़ियाँ कुछ लक्ष्य भाई ने पहले ही इकट्ठी कर ली होगी, हमारी भी उसमें अटक छत में पड़ी हुई है। हाँ बस, ये बस यही है जो कबर्ड्स बने हैं ना, उसी का मटेरियल यूज हो रहा है। चले अब, चलो, हमारी महफिल शुरू होने वाली है। महफिल में दो मेंबर जो सबसे दूर से आए, ध्रुव अंजना, ये उज्ज्वल उससे दूर से मुंबई हमीरपुर एंड बुआ कसुमटी से। तो वह हाँ, ये हमीरपुर से बोल दिया ना मैंने, हाँ अभी फिलहाल के लिए सबसे पहले भी पहुंच गए। हाँ सही बात है, ये जल्दी पहुंचते हैं, बिल्कुल दूर वालों को ये होता है ना टेंशन, जल्दी पहुंचना है, तो नजदीक वाले आ जाते हैं, दूर वालों में लगता है पार्टी ना मिस हो जाए। तो बुआ पार्टी की तैयारी कैसी है, मस्त जबरदस्त? बस वी आर जस्ट वेटिंग, तो अभी हमारे कुछ मेंबर्स बाकी है जो आने को है, तो उनका इंतजार करते हैं। जे भी देख रही है कि आ जाते टाइम से तो ठीक था। हाँ जी, सारी कुर्सियाँ सेटअप कर रहे हो आप बाहर, वाह। तो हमने सोचा कि बीच में यहाँ पे लगाएंगे ताकि चारों तरफ को सब लोग बैठ सके, तो मजा तो तभी आएगा सीटिंग अरेंजमेंट का। तो हम लोग आ चुके हैं वापस और नैना ने हमें ज्वाइन कर दिया है, हाँ साथ में नैना ने होली भी खेली है पजामे के साथ। तो अभी हम इसलिए एक्साइटेड है के आगे क्या हो रहा है, आग जली है कि नहीं। आप क्या कर रहे हो सर यहाँ पे? सर से बात कर रहे हैं। अच्छा सर से, चलो ठीक है, ये तो यही बता सकता है। ओह माय गॉड, हमने सोचा था कि यहाँ पे बढ़िया आग लगी होगी, सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, पर यहाँ पे तो व्हाट इज दिस मैन,
यो भाभी जी यार हद कर रहे हो, क्या है सन्नाटा ये क्या? हम आज के स्पेशल गेस्ट लेके आए हाँ जी, तैयार है खाना स्नैक्स, यहीं से ऑर्डर देना पड़ेगा। अंदर ही ले आ दिया, अरे वाह, ये है देखो बड़ी किचन होने का फायदा, हर एक स्पेस को आप यूज कर सकते हैं। रजत आप भी हेल्प कर रहे हो साथ में, बस सही है। तो भाई एक ही बारी में आग जल चुकी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास लकड़ियां कम थी, सामान भी कम था, फिर भी आग जल गई है। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे हवन हो रहा है। तो महफिल शुरू हो चुकी है डांस के साथ, ये हेलो वेलकम वेलकम वेलकम, बच रहे भाई बच रहे, जीजू भाग रहे। अब वो मोमेंट आ चुका है जब हम केक कटिंग करेंगे मामू के केक की। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये रुको मामू जलाने तो दो पहले कैंडल, रुको माचिस का है, माचिस लाओ। ये आए बारी बारी दिल्ली गाए, बार बार दिल ये गाए, जियो हजारों साल है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू ये गाए, जियो हजारों साल मेरी है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू। हजारों साल ये मेरी है आरजू, हैप्पी बर्थडे टोयो, हैप्पी बर्थडे टोयो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी मैं और नेहा जो है ना गाड़ी लगाने गए थे जीजू की, क्योंकि उन्होंने किसी की पार्किंग में लगाई थी, तो हमें वहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ी। तो अब आई होप आपने मामू का ये बर्थडे इंजॉय किया हो, वैसे कोई प्लानिंग नहीं थी,
सब कुछ अचानक से हुआ और इतने सारे लोग हम इकट्ठे भी हो गए सारे कजन, तो काफी मजा आया एज एन गेट टुगेदर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। हमने बहुत डांस किया। हाँ तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।